तो आज हम लोग देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। पिछले क्लास में क्या किए थे? अभी तक हम लोग देखे क्या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, उसमें क्या क्या आया था? उसमें था पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग। ये सब क्या है? नॉन कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। और इसके पहले क्या था? कंटिजियस वाले में क्या था? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। इसमें क्या देखना था? फिक्स्ड पार्टीशन वाले में इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, और वेरिएबल वाले में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, ठीक। और ये सब जो था नॉन कॉन्टिजियस वाले में, पेजिंग, मल्टी लेवल, इन्वर्टेड, सेगमेंटेशन, ये सब में क्या हम लोग देखे थे? हम लोग देखे थे कहीं पेज टेबल है, पेजिंग में, मल्टी लेवल पेजिंग में पेज टेबल था, इन्वर्टेड वाले में क्या था? फ्रेम टेबल, सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल था, सेगमेंटेड पेजिंग में सेगमेंट टेबल और पेज टेबल दोनों ही था साथ में। तो एक्चुअली वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? वहां हम लोग क्या कर रहे थे कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता था, यही करता था ना, और इस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते थे। मेन ही पर्पस था हम लोग का लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि एक बात हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे कि हम लोग का जो भी डेटा है, इनिशियली जो डेटा हम लोग के सिस्टम में है, डेटा कहाँ है? LAS में है। LAS क्या है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। मतलब क्या LAS का मतलब क्या हुआ? इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है हम लोग का। जैसे सिस्टम में हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, यह है सेकेंडरी मेमोरी है। PAS क्या था? PAS हम लोग का मेन मेमोरी था, जिसको हम लोग RAM बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर ओवरऑल एक चीज देखें, उस समय पहले का रिकॉल करें हम लोग, हम लोग क्या कर रहे थे? जो CPU को कुछ डेटा चाहिए था, CPU को कुछ डेटा चाहिए था, और CPU को डेटा क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर रहा है, प्रोसेसर है इसके अंदर में। ये देखो P, ये क्या है? ये है प्रोसेसर। प्रोसेसर डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए कुछ और, मतलब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए कुछ डेटा चाहिए। डेटा कहाँ पर है? डेटा है सेकेंडरी मेमोरी में, LAS में। उसको हम लोग कॉपी करके कहाँ लाए? PAS में। ताकि हम लोग चाहते क्या थे एक्चुअली, कि जो CPU को डेटा मिले, CPU को जो भी डेटा चाहिए, जो भी डेटा फेच करना है CPU को, CPU PAS से ही करे, RAM से ही करे, RAM से करे, सेकेंडरी मेमोरी के पास CPU नहीं जाए। हम लोग यही चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड बहुत कम है, सेकेंडरी मेमोरी काफी स्लो है एज कंपेयर टू CPU। CPU का स्पीड बहुत फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो है। इसके चलते हम लोग क्या किए, अगर ये स्लो काम कर रहा है, CPU फास्ट काम कर रहा है, तो इसमें होगा क्या? CPU को वेट करना पड़ेगा। CPU वेट कर रहा है मतलब सिस्टम का अंडर यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग सोचे क्या कि अच्छा रैम स्पीड इसका भी कम है CPU से, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में रैम का स्पीड बहुत ज्यादा है। तो रैम से अगर डेटा कंज्यूम करे CPU, तब उतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा CPU को। यही चाहते थे हम लोग। तो जब हम लोग चाहते थे ऐसा, फिर भी
सीपीयू क्या करता था, सीपीयू जो एड्रेस जेनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस ही हमेशा जेनरेट कर रहा था, हमेशा ही लॉजिकल एड्रेस जेनरेट किया था। याद करो, फ्रॉम पेजिंग अप टू सेगमेंटेड पेजिंग सब में सीपीयू लॉजिकल एड्रेस ही जेनरेट किया। इसका मतलब सीपीयू चाहता क्या है, सीपीयू के पास क्या है, जो फैक्ट गिवन है इसके पास क्या फैक्ट गिवन है, जो सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारा है यहां से ही डेटा कंज्यूम करना है। जबकि रैम हम लोग का छोटा था, ये भी बताए थे, रैम छोटा था और इसके चलते ही, कम रैम के चलते हम लोग क्या कर रहे थे, LAS को डिवाइड किए थे पेज में और पेज को यहाँ लाते थे और फिर यहाँ से कंज्यूम करते थे। पूरा LAS को नहीं ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि रैम का साइज छोटा है, ठीक पर्पस था ना हम लोग का, रैम का साइज छोटा है, LAS का साइज बहुत बड़ा है, तो LAS पूरा यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो हम लोग LAS को पेजेज में डिवाइड किए। देखो 0, 1, 2 up to 2 power 6 minus 1 पेजेज है, मान लो देखो पेजेज है और PAS को डिवाइड किए फ्रेम्स में। हाँ, पेज का साइज और फ्रेम्स का साइज इक्वल है, पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल है, केवल एक में अन इक्वल दिख रहा था कहां पर, जब सेगमेंटेशन हम लोग कर रहे थे, जब सेगमेंट्स को यहां लेकर आ रहे थे तब वेरिएबल था, ठीक, क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल पार्टीशन स्कीम लगाए थे और इसके चलते एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा था। समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आएंगे ऊपर में लिखा हुआ वर्चुअल मेमोरी, यहां भी आएंगे, ठीक। एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि लास्ट, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस जो नॉलेज गेन है उससे कोरिलेट कर लेना। अगर पहले वाले से कोरिलेट कर लोगे बहुत दिन तक वो चीज याद रहेगा दिमाग में, नहीं करोगे, अगर आइसोलेटेड एक डॉट को सोचोगे, दो तीन डॉट है, अगर इसको डायरेक्टली याद करना सोचोगे इटअप होता है, लेकिन अगर कनेक्ट कर लिए इसको, कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट को अगर नोटिस कर लिए, कैसे एक डॉट दूसरे से कनेक्टेड है अगर सबके सब, तो उसे इजी होगा उसको याद रखने में। तो पहले वाले हम लोग देखते हैं, जो उसमें करते क्या थे हम लोग, LAS से कुछ डेटा को PAS में लाए और इसके लिए एक पेज टेबल को मेंटेन करते थे। तो पहले हम लोग का CPU क्या करता है, CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और उस लॉजिकल एड्रेस में P और D में डिवीजन होता है। P क्या है, पेज नंबर है, D क्या है, पेज ऑफसेट है, मतलब साइज ऑफ द पेज है, एक पेज का साइज D बता रहा है। P से क्या करते थे, P से हम लोग पेज टेबल में जाते थे, क्यों, क्योंकि पेज टेबल में जितना नंबर ऑफ एंट्री है उतना ही पेजेज LAS में था, क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पेजेस था LAS में उसके बराबर ही साइज का पेज टेबल क्रिएट हम लोग किए थे, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल था नंबर ऑफ पेजेस के। तो यहां से P लेकर पर्टिकुलर एंट्री में हम लोग गए, यहां से हम लोग को फ्रेम नंबर मिलता है और फ्रेम नंबर लेने के बाद उस फ्रेम नंबर को यहां लेकर आएंगे और डी डायरेक्टली यहां का है जो डी यहां कॉपी हो जाएगा, क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज तो इक्वल है, तो डी है जो यहां से सेम, जैसे 12 बिट है, देखो 12 बिट यहां कॉपी हो गया, तो डायरेक्टली डी है जो कॉपी हो गया, फ्रेम नंबर यहां से मिला और फ्रेम नंबर और डी से हम लोग एक फिजिकल एड्रेस बनाए। उस फिजिकल एड्रेस के हेल्प से हम लोग PAS में गए और यहां से पेज रिट्रीव कर लिए, क्योंकि यहां तो फ्रेम नंबर मिल गया है हम लोग को, उस पर्टिकुलर फ्रेम में गए, उस फ्रेम से जो है एक्सेस कर ली, जो भी उस फ्रेम में पेज था, पर्टिकुलर पेज था, कौन सा पेज था, ये फ्रेम नंबर यहाँ था, मतलब कि ये जो एंट्री है यही पर्टिकुलर पेज होगा, थर्ड यहाँ है तो फोर्थ है, जीरो जीरो से शुरू है, जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे, तो डेटा को एक्सेस कर लिए। लेकिन एक चीज इसमें नोटिस करो, जो CPU को बहुत सारा चाहिए चीज, डेटा तो चाहिए ना प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए, जब जब CPU डेटा को एग्जीक्यूट करने जाता है उसके लिए कुछ मेमोरी
फेच करता है वो, जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम में मेमोरी फेच करता है उस डेटा को लेकर, कुछ भी प्रोसेस हो कर रहा होगा, तो सीपीयू को चाहिए था डेटा कहाँ से? लॉजिकल एड्रेस से, लेकिन हम लोग इसको दे रहे हैं फिजिकल एड्रेस से, मतलब LAS से डेटा चाहिए और हम लोग PAS से दे रहे हैं, रैम से दे रहे हैं। मतलब क्या? इनडायरेक्टली सीपीयू को हम लोग क्या बता रखे हैं, इनडायरेक्टली सीपीयू को क्या बता रखे हैं, जो हम लोग के पास LAS के साइज के बराबर मेमोरी है, इतना सारा मेमोरी है, इतना सारा मेमोरी है, यहां से डेटा फेच किया जा सकता है, सीपीयू के ये बता रखे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डेटा फेच करता है सीपीयू कहां से करता है? PAS से करता है, यहां से नहीं करता है, LAS से नहीं करता है, PAS से करता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग झूठ बोले हुए हैं ना, सीपीयू को झूठ बोले हुए हैं ना कि LAS से डेटा मिलेगा, और सीपीयू हमेशा जेनरेट भी ही कर रहा है, सीपीयू हमेशा ही लॉजिकल एड्रेस जेनरेट कर रहा है कि LAS से डेटा लाना है हमको, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लॉजिकल एड्रेस को बीच में कुछ चेंजेस करके इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस में, और फिजिकल मेमोरी से ही, रैम से ही डेटा हम दे दे रहे हैं। सीपीयू क्या सोच रहा है अब तक, हम तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किए थे, LAS से डेटा आ रहा है, चलो ठीक है अपना काम कर लिया। मतलब क्या, हम लोग एक सीपीयू के साथ झूठ बता रहे हैं उसको, हम लोग झूठा प्रॉमिस कर रखे हैं उसको सीपीयू को कि मेमोरी कितना है हम लोग के पास में, हम लोग के पास में LAS के साइज का, सेकेंडरी मेमोरी के साइज का मेमोरी है, जबकि एक्चुअल में है कितना, एक्चुअल में PAS साइज का है, रैम का है, जितना रैम है वही मेमोरी काम आ रहा है सीपीयू को, यहां से तो एग्जीक्यूशन कर नहीं रहा है, यहां तो डेटा फेच डायरेक्टली तो कर नहीं रहा है। यही चीज है वर्चुअल मेमोरी, मतलब सीपीयू क्या सोच रहा है कि मेरे पास में मेमोरी है इतना साइज का, लेकिन एक्चुअल में इतना ही साइज का है, मतलब वर्चुअल है, रियल में नहीं है, LAS के साइज का रियल में मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी का कोई काम नहीं है, यहां से एक्सेस तो डेटा करता ही नहीं है सीपीयू, तो रियल में इतना सेकेंडरी मेमोरी जो है, रियल में सीपीयू के लिए मेमोरी है नहीं, कि वर्चुअली इसको बता दिया गया है क्या कि नहीं इतना मेमोरी है, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सीपीयू यहां आया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, यहां से हम लोग पेज टेबल में आए, पेज टेबल में क्या एंट्री होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या बताएगा, नंबर ऑफ पेजेस जितना है LAS में वही बताएगा, और इसके अंदर का इंटरनल एंट्री क्या बताता है, पेज टेबल का इंटरनल एंट्री क्या होता है, इंटरनल एंट्री होता है फ्रेम नंबर, यही होता है ना, तो इंटरनल एंट्री जब फ्रेम नंबर है, यहां से फ्रेम नंबर लेकर फिजिकल एड्रेस बना और PAS में जाकर डेटा फेच किया, PAS से डेटा ले लिया, तो अगर मान लो PAS में है ही नहीं वो चीज, पेज टेबल में एंट्री रहने का मतलब क्या है कि थर्ड, जैसे मान लो यहां पर F लिखा, जैसे यहां देखो O1 है, O1 पेज नंबर, फर्स्ट पेज नंबर, फर्स्ट पेज नंबर कहां पर है, तो फ्रेम नंबर देखो 0001, मतलब फर्स्ट फ्रेम में है, देखो फर्स्ट फ्रेम पेज नंबर 1 है, देखो पेज नंबर 1 है ना, टेबल में वही चीज एंट्री किया गया है जो यहां PAS में एग्जिस्ट कर रहा है, पेज नंबर 1 है ना यहां पर फर्स्ट वाले फ्रेम में, पेज नंबर 1 में देखो एंट्री फर्स्ट वाले फ्रेम में है, ये चीज तो यहां है, चलो ठीक है, लेकिन फोर्थ पेज चाहिए, सीपीयू जो मान लो एड्रेस जनरेट कर रहा है उसको क्या एड्रेस जनरेट किया है, मान लेते हैं ये जो है 6 बिट का एड्रेस है, ये जनरेट किया 0000000, अच्छा 4 करना है ना,
वन टू फोर्थ, यहां से हटाकर यहां पर वन लाते हैं, यहां पर वन लाते हैं। ये मान लो पेज नंबर जनरेट कर रहा है एड्रेस, मतलब क्या फोर्थ पेज चाहिए। जैसे देखो 100 लास्ट में है, बाकी सब जीरो, मतलब क्या है पेज नंबर फोर चाहिए इसको। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए P4, P4 चाहिए सीपीयू को। अब P4 के लिए जैसे ही पी लिया, पी लेकर जब यहां पर आया पेज टेबल में, यहां तो कोई एंट्री है ही नहीं, यहां पर ब्लैंक है। ब्लैंक होने का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक होने का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर पेज PAS में अभी तक आया ही नहीं है। ए पर्टिकुलर पेज है, जो ये पर्टिकुलर पेज है, फोर्थ पेज है, जो PAS में अगर आ जाता कहीं पर, अगर PAS में कहीं पर भी होता तो जिस फ्रेम में होता उस फ्रेम का एड्रेस यहां पर मेंशन होता। अगर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि PAS में नहीं है। LAS से, LAS से कॉपी होकर ही तो आता है यहाँ। LAS से जो पेज है कॉपी होकर कहाँ आता है, PAS में आता है। जो पेज नहीं आया है, यहाँ पर ही नहीं है, तो पेज टेबल एंट्री भी तो ब्लैंक होगा ना, क्योंकि तो यहाँ से आया ही नहीं है। देखो P4 यहाँ पर है, P4 यहाँ पर है, लेकिन P4 यहाँ से यहाँ आया नहीं है। P4 देखो यहाँ कहीं पर दिख रहा है क्या, P2, P1, P6, P7 और भी कुछ कुछ होगा, P12, नहीं, P4 कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब कि पेज नंबर 4 है जो यहाँ पर है ही नहीं। अगर यहाँ पर नहीं है तो फोर्थ एंट्री जो होगा, मान लो यहाँ ऐसे फोर्थ एंट्री है, फोर्थ एंट्री क्या है, ब्लैंक है। फोर्थ एंट्री ब्लैंक अगर है तो अब कहाँ जाएगा CPU, सोचो CPU अब कहाँ जाएगा, नहीं है ना। तो समझो कि यहां पर जो चाहिए था CPU को जो भी चीज चाहिए था, वो चाहिए एक्चुअली लॉजिकल एड्रेस ही चाहता है, रिट्रीव करना लॉजिकल एड्रेस चाहता है। लेकिन लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं रैम से डेटा कंज्यूम करे CPU, क्यों, रैम फास्टर है। और रैम का साइज क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के साइज से छोटा है। ये जो झूठ बोला गया है, ये झूठ बोलना ही वर्चुअल मेमोरी है। मतलब कि रियल में मेमोरी, रियल में LAS के साइज का मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रियल में रैम का साइज LAS के बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं कि है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ और काम करेंगे उसको, अपने स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए। ये जो सच्चाई में मेमोरी का साइज रैम का छोटा है LAS से, फिर भी लेकिन CPU को क्या पता है कि LAS के बराबर है, यही है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। वर्चुअल मेमोरी यही है, वर्चुअल मेमोरी यही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या करेंगे, जो वर्चुअल मेमोरी जो हम बता रहे हैं कि नहीं LAS के साइज का रैम है, मेमोरी है, यहां कुछ भी दिक्कत अराइज होगा, क्या दिक्कत आएगा, यहां देखो पेज नहीं मिला है ना, पेज नहीं मिला है ना, यहां से जब पेज लेकर आया तो फ्रेम नंबर नहीं मिला। फ्रेम नंबर नहीं मिलने का मतलब क्या है कि PAS में वो फ्रेम है ही नहीं। हम जबरदस्ती CPU को क्या कर रहे हैं, PAS से ही डेटा कंज्यूम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं है। तो यहां नहीं मिला फ्रेम नंबर। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट नया लाए, डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग क्या है, डिमांड पेजिंग के थ्रू हम लोग इस, या फिर सेगमेंटेड पेजिंग भी होता है, लेकिन विंडोज में डिमांड पेजिंग ही फॉलो किया जाता है। विंडोज फॉलो डिमांड पेजिंग, ठीक, विंडोज में डिमांड पेजिंग ही फॉलो किया जाता है। डिमांड पेजिंग है क्या,
डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग को समझो। डिमांड पेजिंग का एक्चुअल मीनिंग है, जो सीपीयू को कुछ पेज चाहिए था ना, लॉजिकल एड्रेस जब क्रिएट किया तो एक पेज नंबर भी क्रिएट किया। देखो पेज नंबर, एक पेज नंबर क्रिएट किया है, पेज का साइज कुछ भी है, हाँ डी साइज गिवेन है, पेज के साइज में भी नहीं जाना है हम लोग को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पेज के साइज से। यहाँ पर हम लोग को पेज नंबर से फर्क पड़ता है। जो पेज नंबर के लिए एक एड्रेस जनरेट किया है, वो पेज पेज टेबल में गए तो हम लोग को फ्रेम नंबर यहाँ से नहीं मिला, जबकि यहाँ से ही फ्रेम मिलेगा तभी हम लोग फिजिकल एड्रेस बना सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन तभी होगा जब यहाँ से फ्रेम नंबर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर नहीं मिला यहाँ से फ्रेम नंबर तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फ्रेम नंबर लाना होगा ना। तो ये फ्रेम नंबर लाना होगा, इसका मतलब क्या है, फ्रेम नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर पेज, ये जो पर्टिकुलर पेज है फोर्थ पेज नंबर, किसी फ्रेम में पहले लाएंगे, रैम में लेकर आएंगे, तभी तो यहाँ फ्रेम नंबर मेंशन करेंगे। मतलब ऐसे ही थोड़े कुछ भी मेंशन कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज को, ये जो पर्टिकुलर पेज है जो चाहिए सीपीयू को, अगर ये पर्टिकुलर पेज हम लोग पीएएस में रैम में लेकर चले आएंगे, तब तो जिस फ्रेम में लेकर आएंगे उसका उस फ्रेम का एड्रेस यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, तभी करेंगे ना। तो कब लाए हम लोग, जब यहां पर अभी तक तो नहीं है ना, अभी ब्लैंक है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लाएंगे, इन फ्यूचर लाएंगे। इसका मतलब एक छोटा सा माइन्यूट चीज नोटिस करो कि हम लोग लाने का बात कब किए, जब पता चला कि यहां फ्रेम नंबर नहीं है। मतलब फ्रेम नंबर नहीं है मतलब ए पर्टिकुलर पेज फोर्थ पेज जो है, ए पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी रैम में नहीं है, तब हम लोग लाने का बात कर रहे हैं। और यहां पर पता कब चला था, जब सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, यहां से पेज नंबर लेकर यहां पर गए, तब पता चला। मतलब कि जब सीपीयू को चाहिए होगा, सीपीयू जब डिमांड करेगा, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, मतलब क्या कर रहा है, कुछ डेटा डिमांड कर रहा है पर्टिकुलर जगह से, कहां से, यही पी का जो वैल्यू है, पी का जो वैल्यू है पेज नंबर, ये पर्टिकुलर पेज चाहिए सीपीयू को। तो सीपीयू जब पी का, पेज नंबर पी का, अब ये प्रोसेसर है भी याद रखना, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, ऐसा लो स्मॉल पी कर देते हैं, अरे यार ये तो मजाक कर दोगे, लो स्मॉल पी कर दिए, चलो हो गया ड्राइंग भी। ए प्रोसेसर है, यहाँ पर पी और डी है, ए पेज नंबर है। जब सीपीयू ए पेज नंबर के लिए डिमांड किया है सिस्टम से कि हमको ए पेज चाहिए किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब हम लोग ए पेज नंबर लेकर यहाँ आए। जब नहीं दिखा है तब उस पेज को एलएएस से कैसे पीएएस में लाया जाए, ये सोचना शुरू किए हम लोग। मतलब कब सोचना शुरू किए हम लोग, सोचना कब शुरू किए, जब सीपीयू डिमांड किया तब। तो सीपीयू के डिमांड करने के बाद, सीपीयू के डिमांड करने के बाद सीपीयू के एड्रेस जनरेट हो गया, उसके बाद यहां ब्लैंक मिला, मतलब कि नहीं है रैम में पर्टिकुलर पेज नहीं है। तो सीपीयू के डिमांड करने के बाद जब हम लोग LAS से पेज को PAS में लाएंगे, इसी प्रोसेस को डिमांड पेजिंग कहते हैं। समझ रहे हो बात, आराम से समझना, सब दिन याद रहेगा, एक बार नहीं भूलोगे तुम, बहुत दिन तक याद रहेगा, बस सुन लो अच्छे से। सीपीयू को जो चीज चाहिए, जो पेज चाहिए सीपीयू को, जो पेज चाहिए वो पेज, जब सीपीयू डिमांड किया पेज का, बोला हमको चाहिए पेज, उस डिमांड करने के बाद जब हम लोग यहां से एलएएस से पेज रैम में लाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां है नहीं, अगर होता तो क्या होता, अगर यहां रहता जो पेज डिमांड किया है, यहां रहेगा पहले से ही, तो क्या होगा, यहां रहने का मतलब कि पेज टेबल में एंट्री होगा,
तो सीधा पेज टेबल से आएगा, फिजिकल एड्रेस बनाया, यहां से एक्सेस करके काम चला लिया। लेकिन एक ऐसा भी केस आएगा जहां पर मान लो पार्टिकुलर पेज यहां नहीं है। क्यों क्यों ऐसा केस आ सकता है? ऐसा केस इसलिए आ सकता है कि LAS का साइज ज्यादा है, PAS का छोटा है। मतलब सिंपल सोचो, एक बकेट है हम लोग के पास जिसमें 50 बॉल है, ठीक। एक और छोटा बकेट है हम लोग के पास जिसमें 10 बॉल है। भाई 50 में से 10 ही तो रख सकते हो, बाकी 40 तो नहीं आएगा, बाकी 40 तो नहीं आएगा, 10 ही तो रखोगे एक बार में। एक बार में यहां 10 ही तो रखोगे, ये बड़ा बकेट मान लो है, ये छोटा है, एक बार में 10 रख सकते हो, लेकिन 40 को तो छोड़ना ही छोड़ना है किसी भी हालत में। तो मान लो डिमांड कोई आदमी कर रहा है जो ऐसा बॉल जो बड़ा बकेट में तो है लेकिन छोटा बकेट में नहीं है, और वो कंज्यूम कहां से करेगा? छोटा बकेट से ही कंज्यूम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां से बड़ा बकेट से एक बॉल यहां लेकर आएंगे। तो बोलोगे कि यहां 10 बॉल था पहले से, हाँ, और एक और बॉल आप कैसे ले आए? अभी बोले 10 बॉल ही रहेगा। हाँ सही बात है, यहाँ 10 बॉल ही रहेगा, ये बड़ा बकेट है, यहाँ 50 बॉल है, यहाँ पर 10 बॉल ही है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लाने के लिए, जो रिक्वायर्ड है हम लोग को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, क्या करेंगे? एक बॉल को हटाएंगे, एक बॉल को यहाँ से या तो काट देंगे या तो यहाँ से यहाँ ले जाकर स्टोर कर लेंगे, वो अलग चीज है। यहाँ से जो पर्टिकुलर जगह में हम लोग को लाना जहाँ पर है, कौन से फ्रेम में इस पेज को कॉपी करके लाएंगे हम लोग, यहाँ से पेज को जो पहले से है उसको डिलीट करेंगे या फिर उस पेज को यहाँ कॉपी करेंगे, उसके लिए एक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अलग है, इसके जस्ट बाद में वो भी बताएंगे। कौन से फ्रेम में इस पेज को लाएंगे, इस पेज को जो रिक्वायर्ड पेज है जो CPU डिमांड कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस मतलब जनरेट किया है, ये पेज नंबर कौन से फ्रेम में लाएंगे, ये डिसीजन करने के लिए एक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है अलग से, जो वर्चुअल मेमोरी ये डिमांड पेजिंग बताने के बाद में आएगा। अभी फिलहाल क्या करेंगे? फिलहाल हम लोग डिमांड पेजिंग पर देखेंगे क्या कि बस यहां से यहां लाना है, कहां पर लाना है अभी नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहला स्टेप क्या किए, CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। इसके बाद पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप में हम लोग पेज टेबल में गए। देखो O1 स्टेप नंबर 1 है, कितना अच्छे से लिखे हैं बताओ। देखो O1 स्टेप है, पहले स्टेप में हम लोग पेज टेबल में गए। पहला स्टेप जब पेज टेबल गया तो क्या दिखा यहाँ पर? यहाँ पर दिखा कि ब्लैंक है, यहाँ कोई फ्रेम नंबर नहीं है मेंशन। तो फ्रेम नंबर मेंशन नहीं है मतलब कि पेज नंबर किसी भी फ्रेम में है ही नहीं, मतलब कि फ्रेम में नहीं है उस ए पेज के। इसका मतलब क्या है कि ये पेज को LAS से PAS में नहीं लाया गया है अब तक, लेकिन CPU को तो चाहिए, डिमांड तो किया तो चाहिए उसको। तो क्या करेंगे, यहां से एक सिग्नल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, यहां से एक सिग्नल गया किसके पास में? देखो पहला स्टेप यहां पर आकर देखा, पहला स्टेप में यहां पर आया देखा, यहां पर नहीं मिला जब यहां पर फ्रेम नंबर ब्लैंक है, तो क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल सेंड किया गया कि जो पार्टिकुलर पेज चाहिए CPU को किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए, वो पेज PAS में नहीं है। क्योंकि तो इसका डायरेक्टली मीनिंग, यहां पर ब्लैंक होने का डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि PAS में नहीं है। अगर होगा PAS में तो यहां पर एंट्री रहेगा, पक्का बात है, ठीक। अभी पता चलेगा क्यों रहेगा, ठीक ना, अभी जस्ट आएगा आगे का स्टेप। तो यहां जब नहीं देखे हम लोग एंट्री, यहां पर ब्लैंक देखे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जाकर एक एरर सिग्नल जनरेट किया गया जो पर्टिकुलर पेज CPU को चाहिए और यहां है नहीं। तो CPU क्या किया, CPU वो पेज का एड्रेस लिया, वो पेज के एड्रेस को लेकर CPU क्या पता है कि अच्छा इसमें एंट्री ब्लैंक है ना, अब पेज नंबर जनरेट हो चुका है, मतलब वो पेज लॉजिकल एड्रेस में तो पक्का ही होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो सेकेंडरी में भी पक्का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉजिकल एड्रेस ही तो जनरेट करता है, देखो लॉजिकल एड्रेस यहाँ जनरेट होता है, पेज नंबर और
पेज साइज, मतलब कि पर्टिकुलर पेज नंबर जनरेट हुआ है, मतलब कि पेज नंबर कहाँ पर होगा, एलएस में तो होगा ही। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला स्टेप यहाँ से आए पेज टेबल में आए, दूसरा स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में गया है चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, तीसरा स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम से एलएस में गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ए पेज नंबर को लेकर, पेज नंबर को लेकर एलएस में गया, एलएस में जाकर क्या किया, ये पेज नंबर को ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ लिया, मिल गया ओएस को तो मिल गया, ये पेज नंबर वहां था ही पहले से, क्योंकि एलएस में तो रहना ही रहना है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसी का तो एड्रेस जनरेट किया है, तो यहां पर है। अब सीपीयू क्या किया, इस पेज को फोर्थ स्टेप में क्या किया, पीएएस में कॉपी किया, मतलब इस पेज को रैम में लेकर आया, कौन से फ्रेम में लाया, कौन सा पहले से पेज था जिसको हटाया, ई कब, अभी आने वाले स्टेप में दिखेगा पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में। अभी बस इतना जानना है, जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया पेज को लेकर पेज टेबल में गया पहला स्टेप, पेज टेबल में नहीं मिला, इसके चलते एक एरर सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में गया कि पर्टिकुलर पेज नहीं है रैम में, तो ओएस क्या किया तीसरे स्टेप में, देखो तीसरा स्टेप है, ओएस क्या किया, ओएस यहां से जाकर एलएस में गया, ये पेज को लिया, ये पेज को देखो फोर्थ स्टेप में क्या किया, इस पेज को यहां से रैम में कॉपी किया, फोर्थ स्टेप में यहां से रैम में कॉपी किया, फिर उसके बाद क्या किया, रैम में कॉपी करने के बाद अब कहां पर कॉपी किया है, कौन से फ्रेम में कॉपी किया, क्योंकि यहां से तो पेज नंबर आया है, और कॉपी कहां करना है, कॉपी करना है पीएएस में, मतलब फ्रेम में करना है, तो कौन से फ्रेम में P4 को कॉपी किया, मान लो P4 को कॉपी किया, यहां ही कॉपी किया, मान लो P7 में कॉपी किया, P7 में कॉपी किया P4 को, यहां लाए P4 को यहां से यहां कॉपी कर दिया, ठीक है, देखो P4 अब आ गया है PAS में, उसके बाद क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर कॉपी किया है उस पर्टिकुलर एंट्री को वो फ्रेम नंबर पेज टेबल में भी लिख देगा, क्यों, क्योंकि पेज टेबल में कहां पर क्या यहां पर है PAS में, कौन से फ्रेम में कौन सा पेज है, इस पेज टेबल में ही तो एंट्री होता है, पेज टेबल क्या है, पेज नंबर और फ्रेम नंबर का मैपिंग है, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में अवेलेबल है, ठीक, तो यहां से लाकर पांचवा स्टेप में क्या किया, कॉपी करने के बाद कॉपी कर दिया पीएएस में, पांचवा स्टेप में क्या किया कि जहां पर कॉपी किया है, जहां भी कॉपी किया है उसको यहां पर लाकर एंट्री किया, मतलब क्या, P4 है ना, P4 कहां लाया, मान लो ये 2 है, ये थर्ड वाला होता, मान लेते हैं कि ये थर्ड फ्रेम है मान लेते हैं कि, तो यहां पर क्या एंट्री करेगा वो, ये ब्लैंक था ना, इस ब्लैंक में अब क्या एंटर करेगा वो, थर्ड फ्रेम, तो 0011, ये देखो फ्रेम नंबर एंटर कर दिया ना, पेज नंबर 4 में फ्रेम नंबर 3 इंटर हो गया है, मतलब थर्ड फ्रेम में पेज नंबर 4 आ चुका है, अब यहां अपडेट कर दिया, पेज टेबल को अपडेट किया, ये तो फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप क्या है अपडेशन है, कि कौन सा फ्रेम में पर्टिकुलर पेज को लाए हैं, यहां पर लाकर अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद फिफ्थ स्टेप हो गया अपडेशन, उसके बाद यहां जब अपडेट कर दिया है, उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में ये अपडेट करने के बाद सीपीयू को बता दिया, ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि अब अवेलेबल है वो पेज, फिर से अब सर्च करो, अब है अवेलेबल, जैसे पहले सीपीयू सर्च किया था यहां पर, अब तो अवेलेबल है, तो ये बता दिया सिक्स स्टेप में, क्या इन्फॉर्म किया सीपीयू को, इन्फॉर्म सीपीयू, ये हटा देते हैं, तो सिक्स वाले स्टेप में क्या किया, सीपीयू को इन्फॉर्म कर दिया कि पर्टिकुलर फ्रेम में
पेज नंबर आ चुका है, जो पेज रिक्वायर्ड था ये वाला पेज नंबर आ चुका है, इन्फॉर्म कर दिया सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू अब वही करेगा जो पहले से करते आ रहा था, वो क्या करेगा, अब सीपीयू फिर से लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, उसमें पी तो था ही, उस पी को लेकर यहाँ पेज टेबल में आया। देखो यहाँ पर मिल गया है, अब यहाँ फ्रेम नंबर मिल गया, इस फ्रेम नंबर को यहाँ से देखो कॉपी किया, एफ में कॉपी किया, एफ और डी मिलाकर एक एड्रेस बना, और इस एड्रेस से पर्टिकुलर फ्रेम में यहाँ गया और इस डेटा को कंज्यूम किया। बस समझ रहे हो बात, ये डिमांड पेजिंग यही है कि कब हम पेज को लेकर आए, पेज को हम कब लेकर आए, जब सीपीयू डिमांड किया तब। सीपीयू के डिमांड करने के बाद पेज को जो कॉपी कर रहे हैं एलएएस से पीएस में जो कॉपी कर रहे हैं सीपीयू के डिमांड करने के बाद, यही चीज है डिमांड पेजिंग। और डिमांड पेजिंग में टाइम कितना लगेगा, तो जो एंट्री यहां पर नहीं मिला है, जो हम लोग को नहीं मिल पाया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेज फॉल्ट। ये क्या है, पेज फॉल्ट हुआ, क्यों गए पेज टेबल में, सीपीयू यहां से लॉजिकल एड्रेस लेकर गया, पेज नंबर लेकर गया, यहां पर पेज टेबल में फ्रेम नंबर नहीं मिला है, मतलब कि पेज फॉल्ट हुआ। अगर मिल गया होता तो क्या होता, यहाँ से डायरेक्टली मेन मेमोरी में फिजिकल एड्रेस क्रिएट करके मेन मेमोरी से रैम से एक्सेस कर लेता पेज को, जबकि अब ऐसा नहीं हो पाया, अब नॉर्मल नहीं रहा। अब क्या है, पहले एलएएस से कॉपी करना है, फिर जाकर इसको इन्फॉर्म करना, वही स्टेप देखो 1 2 3 4 5 6 छः स्टेप एक्स्ट्रा कंज्यूम हुआ, तो 6 स्टेप में टाइम भी तो लग रहा था ना। तो पेज फॉल्ट हुआ है, इस पेज फॉल्ट में जो टोटल फर्स्ट से लेकर 6th स्टेप तक 6 स्टेप में जो टाइम लगा है, उसको क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। इसको बोलेंगे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। एक पहले क्या आता था, पहले मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होता था, उसमें क्या था, मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, डेटा एक्सेस करना है। अब अगर मेन मेमोरी में डेटा नहीं है तो उस डेटा को डिमांड पेजिंग के हेल्प से हम लोग LAS APS में कॉपी करेंगे, उसके बाद डेटा सीपीयू है जो डेटा कंज्यूम करेगा। मतलब क्या है, नहीं है मतलब कि पेज फॉल्ट हुआ, और पेज फॉल्ट को सही करने के लिए जो कॉपी पेस्ट करने के लिए जितना जो है 1 2 3 4 up to 6 स्टेप लगा, इसमें जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। समझ रहे हो, तो टाइम ज्यादा लगा लेकिन हम लोग का काम तो चल गया इतना रैम में ही। बस यही है डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यही है और कुछ नहीं है, वर्चुअल मेमोरी है यही। वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है सीपीयू के पास में कि सफिशियंट मेमोरी है, जितना भी बड़ा साइज का प्रोसेस हो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि सफिशियंट, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशियंट मेमोरी है, जबकि रियल में है नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब जरूरत होगा तो दे देंगे। सिंपल सोचो उसी तरीके से, जैसे मान लो हम लोग नहाने के लिए गए हैं बाथरूम में, वहां क्या है, एक बकेट ही पानी है। हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, एक बकेट पानी खत्म हुआ, फिर टैप ओपन किए, नल चलाए, पानी गिरा, फिर से नहाए। दिमाग में क्या है, पानी है, रियल में उस बकेट में उतना पानी नहीं है, लेकिन पानी कहीं और पर तो स्टोर्ड है ना। जब खत्म होता है बकेट फिर हम लोग फिल करते हैं। मान लो उसी का स्पीड फास्ट कर दिया जाए कि जैसे ही खत्म हो रहा है तुरंत तो फिल हो जाए, तो कम टाइम में वो काम हो जाएगा, उतना नहीं ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ये थोड़ा टाइम लगे तो होगा ही।
वही टाइम लैग के लिए एक पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एक्स्ट्रा पे लग रहा है टाइम, जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम में जितना मेन मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम पेज फॉल्ट वाले में लगेगा। क्यों? इसमें ज़्यादा स्टेप हो रहा है, इसीलिए। यही है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट, जिसको डिमांड पेजिंग के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तब इसका देखेंगे क्या जो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, परफॉर्मेंस देखेंगे कितना टाइम लग रहा है पेज फॉल्ट होने में, तब वो देखते हैं। समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। नाम देखने में लगता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, नहीं है कुछ नहीं है, कुछ नहीं याद आया ना, सोचा कैसे नहाने गए थे ना, नहाने गए तो बकेट में पानी नहीं था ना उतना, एक बकेट नहाए फिर उसमें पानी आया, नल से पानी आया, फिर नहाए चार बकेट, मान लो नहाए चार बकेट कैपेसिटी नहीं, तो बकेट में तो एक ही बकेट कैपेसिटी है, लेकिन चार बार चार बकेट नहाए कहीं और से पानी आ रहा था ना बार बार, बस वही चीज है। यहाँ पर डेटा को कंज्यूम करना है पीएस से, लेकिन यहाँ उतना स्पेस नहीं है, तो जब डिमांड होता है तब सेकेंडरी मेमोरी से एलएएस से कॉपी होता है डेटा, बस यही है। इससे हेल्प क्या मिला, इससे ज्यादा साइज का प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट सीपीयू इजीली कर सकता है, यही सीपीयू को हेल्प मिला, बस यही है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। अब देखते हैं जो इसमें क्या कुछ टाइमिंग लगता है। और एक और चीज, यहाँ से जो सेकेंडरी मेमोरी से पीएएस में जो पेज लाए, देखो सेवन सेवन वाले को काटे है ना, देखो पहले से सेवन था ना, इसको कट कर दिए, अब पी फोर को ले आए, पेज फोर को ले आए। सेवन को ही क्यों कट किए, टू को क्यों नहीं कट किए, और वन को क्यों नहीं कट किए, ट्वेल्व को क्यों नहीं कट किए, इसका लॉजिक समझने के लिए इसके अगला कंसेप्ट आने वाला है। क्या है वो कंसेप्ट क्या है, वो है पेज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। कौन से फ्रेम में पर्टिकुलर पेज को कॉपी करेंगे, किसको कट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। उसके थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहां पर पर्टिकुलर पेज को कॉपी करना है। ठीक, अभी बताएंगे कंटिन्यूटी में ही, इसको पहले हटाते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा ही है कंसेप्ट, बस एक बार समझ जाओ फिर कभी नहीं भूलोगे। एक दो क्वेश्चन बना लो बस, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल में भी आसान क्वेश्चन आएगा, क्यों, एक ही चीज ना यहाँ नया आया है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, और पेज फॉल्ट हुआ था तो उसका कुछ सर्विस टाइम है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एक नया चीज आया है, पहले क्या था मेन मेमोरी एक्सेस टाइम था, अब उसके साथ में और क्या आ गया, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो क्या पेज फॉल्ट सर्विस टाइम सब में लगेगा, जितना जगह मेन मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा था सब में पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा, नहीं सब में क्यों लगेगा, अरे जहां पर पेज फॉल्ट हो रहा है वहां ही लगेगा ना, सब में क्यों लगेगा, जो नॉर्मली मान लो पेज टेबल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, नॉर्मली तो है, जब नहीं मिल रहा है डेटा तब पेज फॉल्ट हुआ, और उसके लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम होगा, बस यही इतना है। तब बोलोगे क्या, कैसे कितना पेज फॉल्ट हुआ है कैसे पता चलेगा, पेज फॉल्ट रेशियो गिवन होगा, बताया जाएगा ये चीज कि कितना पेज फॉल्ट हो रहा है। मिटाने में हाथ दर्द हो जाता है, बताओ मिटाना और मुश्किल है, लिखना लेकिन आसान होता है, एक बार जान लो, मिटाना थोड़ा ज्यादा टफ है, इन फिर भी
हो गया, टेंशन नहीं लेना है, अब पानी पी लो तुम लोग। वो लोग ही बोलते जा रहे हैं, बोलते बोलते जा रहे हैं, तुम लोग ही सोच रहे होगे। अरे कभी सांस तो ले लो आप। सांस क्यों, पानी ही पी लेते हैं। और इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। मान लो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ब्लैक पेन से बनाएंगे। ब्लू पेन में इंक कम है, ब्लैक से क्वेश्चन रेड से सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। चलो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कुछ डेटा, क्या है पेज फॉल्ट रेट या रेशियो लिख लेते हैं। पेज फॉल्ट रेशियो मान लो पी है, ठीक, पी छोड़ो, डेटा ही लेकर बनाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे रखो, वेरिएबल में मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम है और पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट सर्विस टाइम मान लो एस है। तो एस्टिमेटेड मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा, एक क्वेश्चन है। एक्चुअल मेमोरी एक्सेस कितना होगा, टोटल टाइम है जो, टोटल मेमोरी एक्सेस में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले क्या होता, पहले टोटल मेमोरी एक्सेस में कितना टाइम लगता, तो एम ही तो है मेमोरी एक्सेस के लिए, एम लगेगा। अब क्या होगा, अब कह रहा है कि कुछ पेज फॉल्ट हो गया है, मतलब कि जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ था पेज टेबल में, पेज टेबल में वो चीज नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम तो चेंज होगा अब, क्यों, क्योंकि तो पेज फॉल्ट हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्टेप कुछ कुछ पेज के लिए बढ़ गया, सबके लिए नहीं बढ़ा, टोटल पेज फॉल्ट नहीं है, लेकिन रेशियो गिवेन है पी इंक्रीज हुआ होगा, क्यों, क्योंकि पी ग्रेटर ग्रेटर देन एम, या फिर सिंपल एक बार ही ग्रेटर लिखो, उतना ज्यादा नहीं भी तो एक बार ग्रेटर लिखते हैं जो पी ग्रेटर देन एम है, ठीक। पेज फॉल्ट का है तो ज्यादा रहेगा ही, एक्स्ट्रा स्टेप इसमें है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम टी है, जो ज्यादा लंबा हो गया ना, छोटा छोटा चीज में तुम लोग भी देखते हो, काम का चीज सुनो यार। अच्छा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम में क्या हुआ, पेज फॉल्ट रेशियो पी है ना, तो पेज फॉल्ट रेशियो पी इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है, एस है, तो पी इनटू एस प्लस, सब में तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ है ना,
पेज फॉल्ट रेशियो अगर पी है, पेज फॉल्ट नहीं, कितना में नहीं हुआ होगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन कितना में हुआ होगा, तो नॉर्मल के लिए 1 माइनस पी इंटू कितना मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, क्योंकि जब नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहा है एम ही लगेगा, क्योंकि मेमोरी मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम है। तो बोलो कि पेज टेबल के लिए कितना टाइम लगा, मान लो पेज टेबल को निग्लिजिबल लेकर चलते हैं, यहां लिख लेते हैं पेज टेबल एक्सेस टाइम इग्नोर्ड, या फिर मान लो पेज टेबल एक्सेस टाइम भी कुछ टाइम होता, मान लो एक्स होता, पेज टेबल का मान लो एक्स होता तो क्या करते, यहां पर एम प्लस एक्स कर लेते, और यहां पर तो पेज फॉल्ट के लिए है ही, टोटल ही यहां दे रहा है, यहां पर एम प्लस एक्स कर लेंगे, बस सिंपल है, रेशियो है पेज फॉल्ट का रेशियो इंटू पेज फॉल्ट जो रेशियो गिवन है इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कर लेंगे, और जिसमें पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तो 1 माइनस जो गिवन रेशियो है वो हो जाएगा इनटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है। अब इसमें कुछ डेटा रख लो, मान लो पी है 0.25 रख लिए पी को, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है इसको रख लिए 20 नैनो सेकेंड, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है एस है इसको रख लिए 500 नैनो सेकेंड, तो इफेक्टिव मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, ये सब डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, पेज फॉल्ट रेशियो कितना 0.25 है ना, 0.25 इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है 500 नैनो सेकेंड, तो 500 नैनो सेकेंड प्लस लास्ट में हम लोग डायमेंशन नैनो सेकेंड में कर लेंगे, जो भी है नैनो सेकेंड में ही लिखेंगे टोटल, तो 0.25 इंटू 500 प्लस 1 माइनस 0.25 मतलब क्या हुआ 0.75 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है देखो 20 नैनो सेकेंड, इसके जगह पर क्या लेंगे 20, बस कैलकुलेशन कर लो, ये देखो ए जीरो से 2 डेसिमल कट हो जाएगा, 25 इंटू 5 कितना हुआ 125 प्लस ए कितना हुआ, ए डेसिमल से ए डेसिमल एक कट गया, डेसिमल यहाँ आ गया, तो 7.5 इंटू 2 कितना हुआ 15 हो गया, यहाँ से लो 15, तो टोटल कितना हुआ 25, 5, 30, 40, तो 140 नैनो सेकेंड आ गया ना। इसमें ये पेज टेबल एक्सेस टाइम को नहीं लिए थे, ये इग्नोर किए थे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, डेटा कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हो गया। अब इसके अलावा एक और देखते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके, ज्यादा नहीं थोड़ा ही, ये फॉर्मूला तो याद हो गया ना, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए पेज फॉल्ट इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, रेशियो इंटू सर्विस टाइम प्लस 1 माइनस पी इंटू जो नॉर्मल मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, ठीक। अब इसके जगह पर एक और क्वेश्चन देखेंगे कि एक बात सोचो, जब हम लोग LAS से कॉपी कर रहे थे डेटा को, LAS से PAS में जब हम लोग डेटा को कॉपी कर रहे थे, तो मान लो जहां पर हम लोग किए वहां पर पहले से कोई पेज था उस फ्रेम में, तो उस फ्रेम में पहले से कोई पेज था ना, उस पेज को हम लोग रिप्लेस किए थे ना,
उस पेज को हम लोग रिप्लेस किए थे ना, हटाए थे ना। सिंपल देखो, याद करो वो सिचुएशन के, मान लो पी एस है, यहाँ पर एल एस है, ऐसे ऐसे कोई मान लो पी फोर था, ऐसे पी फोर को हम लोग यहाँ लेकर कॉपी किए थे डिमांड पेजिंग के ड्यूरेशन में। डिमांड पेजिंग के ड्यूरेशन में जब पी फोर को हम कॉपी किए थे, तो मान लो पहले से यहाँ पर पी वन है, तो पी वन को हटा कर यहाँ क्या लाए थे, पी फोर लाए थे, यही किए थे ना। तो पी वन को हटाए, सोचो अच्छे से, सोचो आराम से कि हम लोग क्या किए, हम लोग पी वन को हटा दिए ना, पी वन पहले से यहाँ था ना। सोचो पी वन यहाँ क्यों आया होगा, ये क्या है, ये है पी एस, ये क्या है एल एस। ठीक, बैठ कर बताते हैं आराम से। देखो एल एस है, ये पी एस है। हम लोग डिमांड पेजिंग के ड्यूरेशन में हम लोग क्या किए, जो पेज नंबर फोर चाहिए था, क्यों, क्योंकि सीपीयू एड्रेस जनरेट किया है, सीपीयू एक एड्रेस जनरेट किया था जो पेज नंबर फोर को फेच करना है। जब हम लोग उस इंट्री में, फोर्थ इंट्री में, पेज टेबल के इंट्री में आए, तो ब्लैंक मिला, कोई फ्रेम नंबर नहीं मिला। फ्रेम नंबर नहीं मिला, इसका मतलब क्या सोचे हम लोग, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था कि पी एस में पेज नंबर फोर नहीं था। तो हम लोग क्या किए, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल सेंड किए, ओएस आया, ओएस यहाँ एल एस में आया, एल एस से पी फोर को यहाँ पर कॉपी कर दिया, उसके बाद टेबल को अपडेट कर दिया। फिर अपडेट करने के बाद में सीपीयू को इन्फॉर्म कर दिया कि वो पेज आ चुका है, अब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बैक आओ उसे, तो क्या देखेंगे, वो इन्फॉर्म करने के पहले, टेबल अपडेशन के पहले, यहाँ से यहाँ जो कॉपी किया था, कौन सा स्टेप था, पहला एक स्टेप पेज टेबल आया, दूसरा स्टेप में अभी होगा तुम लोग कॉपी में, देखो तुम लोग भी खोलकर, एक स्टेप में पेज टेबल में आया, दूसरे स्टेप में ओएस को बताए, तीसरे स्टेप में ओएस एलएस के पास आया, फोर्थ स्टेप यहाँ पर आया था। इसको लिखते हैं, लो इससे फोर लिखते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सब फोर ही हो गया। चलो ये जो रेड वाला है फोर्थ स्टेप बता रहा है, और पी फोर है जो फोर्थ पेज नंबर बता रहा है। ठीक, फोर्थ स्टेप में पी फोर को जब यहाँ पर हम लोग लाए थे, सोचो पी वन को मान लो जहाँ पर हम लोग कॉपी करने आए, यहाँ से यहाँ कॉपी किए, तो पहले से पी वन है। ठीक, पी वन को हम लोग हटा दिए और अपना नया पेज वहाँ कॉपी कर दिए। ठीक, तो जब अपना नया पेज यहाँ कॉपी कर दिए हम लोग, तो पी वन को हटाए ना, थोड़ा सोचो और देख में क्या कि पी वन यहाँ क्यों था पहले से, पी वन पहले से यहाँ क्यों था, पी वन यहाँ लाया होगा ना पी वन को, पी वन एक्चुअली तो पेज नंबर है ना, पेज नंबर तो यहाँ होगा कहीं पर, पी वन पहले रहा होगा एल ए एस में होगा, हाँ पेज नंबर पी वन तो एल ए एस में रहा होगा, पी वन को यहाँ लाया गया था। लाया गया था मतलब क्यों लाया गया था, सीपीयू को चाहिए होगा, रैम में हम लोग पी ए एस में रैम में हम लोग वही चीज लाते हैं जो सीपीयू को चाहिए, फालतू की चीज हम लोग ला ही नहीं सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि पी वन को लेकर आए तो सीपीयू को चाहिए होगा, जब सीपीयू को चाहिए था मतलब यहां से कुछ ना कुछ डेटा फेच किया पी वन से सीपीयू। सीपीयू दो ही एक्शन परफॉर्म कर सकता था, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन, अच्छे से लिखो राइट, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन, रीड और राइट, रीड और राइट। मान लो पी वन को सीपीयू रीड कर लिया, ठीक सीपीयू रीड कर लिया, सीपीयू का अपना काम हो गया, तो पी वन में कोई चेंज आया क्या, जब तुम किताब पढ़ाई करते हो कोई किताब ओपन किए पढ़ लिए, कोई चेंज आया क्या वहां, नहीं आया ना। मतलब क्या है कि रीड वाले केस में नॉट मॉडिफाइड,
रीड वाले केस में नॉट मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। जब सीपीयू रीड कर रहा था पीवन पेज को तो मॉडिफाइड नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है पीवन में। जो पीवन पहले से था वही है, तब पहले से जो चीज था वही है, तो यहां पर भी तो यही है पीवन एलएस में। मतलब कि कॉपी करते समय हम लोग इसको सीधे काट दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां तो है ही, फिर जब जरूरत होगा सीपीयू को यहां से फिर से लेकर चले आएंगे। लेकिन एक और सिचुएशन एज्यूम करो कि सीपीयू रीड नहीं करना था, सीपीयू को राइट करना था। सीपीयू को रीड नहीं करना था पीवन में, सीपीयू को राइट करना था, राइट ऑपरेशन करना था। राइट ऑपरेशन का मतलब क्या है? किसी बच्चा को बुकलेट दे दिए हो तुम, वो क्या कर रहा है, पेंसिल या पेन से लिखना शुरू कर दिया बुकलेट में। अब बुकलेट में चेंज आ चुका है, राइट किया, राइट ऑपरेशन है, तो बुकलेट में चेंज आ चुका है, कुछ ना कुछ लिखा है वो। अब क्या होगा, मान लो कुछ भी यहां लिखा, कुछ डेटा को, यहां जो डेटा है राइट किया, मतलब क्या हुआ, राइट मतलब कि मॉडिफाइड, मॉडिफाई किया गया डेटा को, चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया, मतलब पीवन को मॉडिफाई किया गया है। राइट ऑपरेशन जब किया है सीपीयू, तो यहां पीवन को मॉडिफाई किया है। अगर हम लोग P4 जो कॉपी किए हैं, यहाँ पर P4 जब कॉपी कर रहे हैं, अगर हम लोग P1 को कट कर देते हैं, इसका मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये जो मॉडिफाई किया गया है डेटा को, मॉडिफिकेशन किया गया है, ये मॉडिफिकेशन लॉस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर P1 है जो अनमॉडिफाइड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनमॉडिफाइड है। मॉडिफिकेशन तो पीएस में हुआ है, क्योंकि सीपीयू सब काम तो पीएस में कर रहा है, सीपीयू जो भी काम किया है, रीड करे राइट करे, तो पीएस में कर रहा है ना, रीड में कोई दिक्कत नहीं है, चलो मॉडिफाई नहीं हुआ था, लेकिन जब राइट ऑपरेशन कर रहा है तो राइट में तो यहाँ मॉडिफिकेशन हो गया ना। तो जब राइट में यहां पर जब मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट में जब मॉडिफिकेशन हुआ है, तो डायरेक्टली यहां हम लोग कट कर देते हैं इसको, इसका मतलब कि जो भी मॉडिफिकेशन हुआ था वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? यहां पर ही था, यहां से कट कर दिया, यहां पीवन पुराना वाला पीवन रह गया है जो पहले पीवन था। इसका मतलब कि अगर राइट ऑपरेशन हुआ होगा तब हम लोग सीधा कट नहीं कर सकते हैं, पहले पीवन को यहां कॉपी करना पड़ेगा। P1 में जो नया चीज है, जो न्यू है, नया डेटा है, मॉडिफाइड डेटा है, इस मॉडिफाइड डेटा को यहां पर कॉपी करना होगा LAS में, उसके बाद P4 को यहां रखेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट ऑपरेशन हुआ है PAS में, तब यहां से सीधा डिलीट नहीं करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद यहां पर नया पेज को लाएंगे। तो कॉपी जो यहां से यहां किए हैं हम लोग, यहां से यहां जो हम लोग कॉपी किए P4 को, P4 को जब कॉपी किए, उसके पहले हम लोग चेक करेंगे, समझो बात को, उसके पहले हम लोग चेक करेंगे क्या कि P1 है जिस प्रोसेस को हटाकर, जिस पेज को हटाकर हम लोग नया पेज लाने वाले हैं, वो पेज मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है। समझ रहे हो ना? अगर अनमॉडिफाइड है तब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डिलीट करो और नया पेज को कॉपी करो। लेकिन अगर ये चीज मॉडिफाइड है, अगर मॉडिफिकेशन यहां हुआ है, अगर P1 में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो सीधा कट नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या करना होगा, पहले इस पेज को यहां स्टोर करना होगा LAS में, इस पेज को इसके अपने जगह पर स्टोर करना होगा, नया मॉडिफाइड जो डेटा है इसको स्टोर करेंगे, उसके बाद P4 को लाएंगे। तो
दो केस है, पेज रिप्लेसमेंट में जो पेज फॉल्ट हुआ है, पेज फॉल्ट में, पेज फॉल्ट में दो केस है। एक क्या है, पहला अनमॉडिफाइड, एक और क्या है एक है मॉडिफाइड। पेज फॉल्ट दो तरह का होगा, मतलब कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दो टाइप का होगा, एक होगा अनमॉडिफाइड के लिए, एक मॉडिफाइड के लिए। तो ज्यादा कौन होगा, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड? सिंपल सोचो, अनमॉडिफाइड में कोई दिक्कत नहीं था, सीधा ही हम कट कर रहे थे यहां पेज को और कॉपी कर रहे थे। मॉडिफाइड में क्या है, इसको स्टोर किए हैं और उसके बाद यहां से नया चीज को कॉपी किए, एक एक्स्ट्रा स्टेप स्टोर करने का बढ़ा है। और पता कैसे चलेगा कि मॉडिफाइड है या नहीं है, इसके लिए मान लो इसके साइड में एक वन बिट के लिए, वन बिट के लिए मॉडिफिकेशन के लिए बताने के लिए वन बिट है कि अगर वन बिट में अगर जीरो है, अगर जीरो है तो बता रहा है कि यहां ही लिखते हैं, अगर वन बिट एक्स्ट्रा है पूरे में सब जगह वो क्या बता रहा है कि अगर जीरो है तो अनमॉडिफाइड है, अगर वन है तो मॉडिफाइड है। वन बिट एक्स्ट्रा लेकर वन बिट से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से फ्रेम में पर्टिकुलर पेज है जो मॉडिफाइड है, क्योंकि जैसे ही राइट ऑपरेशन होगा, सीपीयू राइट ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म करेगा, इनिशियली सब जो बिट होगा मॉडिफिकेशन बिट जो होगा वो सब जीरो रहेगा इनिशियली, और जहां जहां राइट ऑपरेशन करेगा सीपीयू वहां वहां इस वन बिट को मॉडिफिकेशन बिट को वन कर देगा, जीरो से, जीरो से वन कर दिया, मतलब कि डेटा जो है मॉडिफाइड है। एक सेकंड, इंक गिरता है इससे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर वन कर दिया मतलब कि मॉडिफाइड है, और जीरो ही है मतलब अनमॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं है, सीधा कट करेंगे पेज को, यहां नया पेज को कॉपी करेंगे, जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया है बिट का वैल्यू अगर वन आ गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है तब इसको एक बार कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी करने का प्रोसेस है एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिटेल में बताएंगे, दो तरीका है इसका, एक दो टेक्निक है, एक कॉपी करने के लिए जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो कॉपी करने के लिए दो अलग टेक्निक है जो कि ओएस में नहीं पढ़ना है, सीओ में बताएंगे, ओवरऑल एक जान लो, नाम जान लो केवल, जो एक टेक्निक है राइट बैक और एक और है क्या राइट थ्रू टेक्निक, एक राइट बैक है एक है राइट थ्रू। ये दोनों से जो मॉडिफाई हुआ है उस पेज को वहां कॉपी करते हैं हम लोग। कुछ डिफरेंस है, कुछ है डिफरेंस राइट थ्रू में भी और राइट बैक में भी, वो देखेंगे जब सीओ पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल जानो दो तरीके का है, और मॉडिफाइड में जो टाइम लगेगा, मॉडिफाइड अगर कोई है जो टाइम लगेगा वो यूजुअली ग्रेटर देन अनमॉडिफाइड के टाइम से होगा, टाइम अनमॉडिफाइड, यहाँ टाइम मॉडिफाइड, ये देखो मॉडिफाइड है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अनमॉडिफाइड है तो टाइम कम लगेगा कंपेरेटिवली। तो एक और चीज अब यहाँ आ गया, क्या पिछले वाले में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, सिंपल क्या किए, जो पेज फॉल्ट रेशियो पी है और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एस ले लिए तो पी इंटू एस कर लिए। अब क्या करेंगे कि मान लो एस वन है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर अनमॉडिफाइड, और S2 है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर मॉडिफाइड, तब दोनों केस के लिए करेंगे। इसमें बता भी देगा कि पेज फॉल्ट इतना हुआ है जिसमें कि कुछ परसेंटेज, मान लो 20% है जो मॉडिफाइड है और रेस्ट बचा, जो रेस्ट क्या बचा,
80% है जो अनमॉडिफाइड है। एक क्वेश्चन इसका भी बनाते हैं हम लोग। यही सब दो तीन वैरायटी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। वर्चुअल मेमोरी में कुछ है ही नहीं, पूरा पूरा मजाक है। इसलिए आराम से बनाना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ, इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाओ, क्योंकि वैल्यू डेसिमल में होगा, छोटा छोटा वैल्यू होता है डेसिमल में, तो इस चक्कर में कहीं गलती हो सकता है, सिली मिस्टेक्स का चांसेस है इसमें। वही सिली मिस्टेक्स को नहीं होने देना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स अगर होगा तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि प्लस वन के जगह पर माइनस पॉइंट थ्री लेकर आओगे प्लस वन के जगह पर, और वो क्या है, ओवरऑल ऐसा अगर चार क्वेश्चन हो गया, मतलब कि ओवरऑल किसी आईआईटी का कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिस कर जाओगे, इसलिए ऐसा नहीं होने देना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जानते हो एक बात, आज इंक बहुत गिर रहा है इसमें, या तो इंक ज्यादा भरा हुआ है, इंक बहुत ज्यादा भरा हुआ है। चलो कोई नहीं, हो गया सही। आप क्वेश्चन एक देखते हैं क्या। पेज फॉल्ट रेशियो, तो पेज फॉल्ट रेशियो मान लो क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 0.4 लेते हैं, एक रेशियो है गिवन है। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम भी गिवेन है 30 नैनोसेकेंड, सही है। फिर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम गिवन है 150 नैनोसेकेंड, किसके लिए, अनमॉडिफाइड के लिए, ठीक। एक और क्या है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एक और गिवन है 180 नैनोसेकेंड, मॉडिफाइड के लिए, ठीक है। यहां देखो दो तरह का पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है, एक है अनमॉडिफाइड के लिए, एक है मॉडिफाइड के लिए। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताए हैं, ठीक। जो मॉडिफाइड अगर होता है, मॉडिफाइड बीट अगर, मॉडिफिकेशन बीट अगर वन होता है, तो राइट बैक या राइट थ्रू टेक्निक से वो चीज को पहले पीएएस से एलएएस में पुराने वाले पेज को कॉपी किया जाता है, फिर उस जगह पर नए पेज को हम लोग लाते हैं जो सीपीयू को चाहिए, ठीक। पेज फॉल्ट रेशियो गिवन है। अब हम लोग इमेट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे क्या कि पेज फॉल्ट रेशियो क्या है। पेज फॉल्ट रेशियो कितना है, 0.4 इंटू, पहले क्या कर रहे थे, पेज फॉल्ट रेशियो इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, यही कर रहे थे ना,
अब तो दो सर्विस टाइम है, अब क्या करेंगे? तो मान लो अनमोडिफाइड जो दिया हुआ है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम अनमोडिफाइड, मान लो ये है 85%। तो अनमोडिफाइड अगर 85% है तो मोडिफाइड कितना हो गया? मोडिफाइड 15% हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, जो 85% अनमोडिफाइड है और 15% मोडिफाइड है। लेकिन ये 85% और 50% किसका है? सोचो एक बार, अनमोडिफाइड है तो किसका है? तो मोडिफिकेशन और नोट मोडिफिकेशन का, अनमोडिफिकेशन जो कर रहे हैं हम लोग, कहाँ देख रहे थे? जब पेज फॉल्ट हुआ था तब। पेज फॉल्ट जब नहीं हुआ था तो सिंपली लॉजिकल एड्रेस से पेज टेबल में गया, पेज टेबल से पीएएस में गया, वहां से डेटा एक्सेस डायरेक्टली हो गया था। जब पेज फॉल्ट होता है तब मॉडिफिकेशन और अनमॉडिफिकेशन का सीन आता है। इसका मतलब क्या है कि जो पेज फॉल्ट रेशियो है 0.4 इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो डायरेक्टली हम लोग करते, अब क्या करेंगे? जो पहले मान लो लेते हैं अनमॉडिफाइड वाला, तो अनमॉडिफाइड कितना है? 85%। मतलब क्या हुआ? 0.85 इनटू 0.85 इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना है अनमोडिफाइड का? 150 नैनोसेकेंड इंटू 150 प्लस 0.85 है तो 0.15 हो गया मोडिफाइड वाला, 0.15 इंटू 0.15 इंटू कितना? 180 नैनोसेकेंड है तो 180। क्या हुआ? 0.85 इंटू 150, 0.85 इंटू 150 प्लस 0.15 इंटू 180 प्लस 0.15 इंटू 180 किसके लिए है? यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक कौन से केस के लिए है? ये किसके लिए हुआ? पेज फॉल्ट के लिए हुआ है, इतना जिसमें पेज फॉल्ट हुआ, प्लस जो नॉर्मल है जहां पेज फॉल्ट नहीं हुआ, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा था, उसके लिए क्या होगा? 0.4 पेज फॉल्ट रेशियो है, मतलब कि नॉर्मल कितना बचा? 0.6 0.6 इंटू कितना? नॉर्मल के केस में कितना है? मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है? 30 नैनोसेकेंड, तो इंटू 30। बस एक कैलकुलेशन कर लो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका फाइंड आउट करो, ये दोनों को ऐड कर लिए, ये दोनों को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई 0.4, इसका कुछ वैल्यू आया, इसका कुछ वैल्यू आया, जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो गया आंसर। अब बोलोगे तो आप ही कर दीजिए, नहीं हम क्यों कर दे, हम तरीका बताया ना, करना मेरा काम थोड़ा ही है, एक कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है ना जी, ये तुम लोग करो, देख लो जो भी वैल्यू आ रहा होगा। तो तरीका यही है करने का, जो पेज फॉल्ट रेशियो गिवन है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है। अब मान लो ऐसा हो कि इमेट का इसका ही वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू गिवन है, मान लो कोई रेशियो नहीं दिया, कोई भी एक रेशियो नहीं दिया, मान लो ए रेशियो नहीं दिया है, इसके जगह पर एक्स है, या फिर ए वाला रेशियो नहीं दिया है, इसके जगह पर वाई है, या फिर ए रेशियो नहीं दिया है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और उसको फाइंड आउट करना है, तभी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। मतलब इसको अगर डायरेक्टली वेरिएबल के टर्म में हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर वेरिएबल के टर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैट इक्वल टू
पेज फॉल्ट, अच्छा पेज फॉल्ट रेशियो के लिए ऐसा करते हैं, पेज फॉल्ट रेशियो पी लेते हैं, ठीक। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम लेते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम मान लो एक्स लेते हैं, अनमोडिफाइड के लिए एक्स लेते हैं और मोडिफाइड के लिए वाई लेते हैं, ठीक। तब इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तब इक्वेशन लिखेंगे, पेज फॉल्ट रेशियो पी है ना, पी इंटू मोडिफाइड, अनमोडिफाइड में जाएंगे, अनमोडिफाइड कितना है एक्स है, तो एक्स इंटू वो परसेंटेज है अनमोडिफाइड का, एक्स अगर मान लो, अब एक परसेंटेज के लिए अलग से लेना होगा, तो ऐसा करते हैं अनमोडिफाइड का परसेंटेज इतना है और वैल्यू इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू इतना ही रखते हैं, या फिर कुछ वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, वैल्यू मान लो सेम ही रखते हैं, एक्स इंटू 150 प्लस वाई इंटू 180 इतना हुआ प्लस पी है ना, पेज फॉल्ट रेशियो गिवन, तो यहां क्या होगा 1 माइनस पी इंटू मेन मेमोरी का जो है एम, बस यही फॉर्मूला, यही इतना फॉर्मूला है। अगर डिफरेंस यहां पर दिया हुआ है जो मॉडिफिकेशन और अनमॉडिफिकेशन के केस को अगर कंसीडर किया भी गया है, इस केस को अगर कंसीडर किया गया है मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, उस केस में भी मैक्सिमम लेंथ यही फॉर्मूला का हो सकता है। अब एक और चीज इसमें ऐड हो सकता है क्या, कि मान लो जब लॉजिकल एड्रेस CPU जब लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया था और उस एड्रेस से पेज नंबर लेकर हम लोग कहाँ गए, पेज टेबल में गए, तो पेज टेबल में गए, अगर पेज टेबल में हम लोग को फ्रेम नंबर मिल गया तो हम लोग क्या किए, हम लोग फिजिकल एड्रेस बनाकर एक्सेस किए, कौन सा केस हुआ ये, यहां से केस हुआ, मिल गया, ओ केस ये है, ठीक। अगर नहीं मिला, तब अगर पेज टेबल में नहीं मिला डेटा हम लोग को, तब क्या किए, वो हो गया पेज फॉल्ट, उस पेज फॉल्ट के लिए ए पोर्शन है पूरा, लेकिन उस पेज फॉल्ट में भी दो केस है, एक क्या है अनमोडिफाइड के लिए है, एक मॉडिफाइड के लिए है। लेकिन एक और चीज मान लो ऐड करते हैं कि पहले लॉजिकल एड्रेस से जब पेज टेबल में हम लोग जा रहे हैं, तो लॉजिकल एड्रेस से डायरेक्टली पेज टेबल में ना जाकर हम लोग एक अलग से हार्डवेयर ऐड कर दे, मान लो अगर एक हार्डवेयर हम लोग TLB ऐड कर दे, ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर, जो कि प्रीवियसली फेच्ड पेज और फ्रेम नंबर, पेज नंबर और फ्रेम नंबर के मैपिंग को स्टोर करता है। पहले वाला जो है पेज नंबर और फ्रेम नंबर के मैपिंग को अगर स्टोर करता है, अगर TLB भी कंसीडर करें, तो बस थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आएगा, बस थोड़ा चेंजिंग आएगा, क्या चेंजिंग आएगा, कितना TLB का हिट रेशियो है। इसको देखो, एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, रेफर डायग्राम बनाते हैं,